तो आत्मा कहाँ निवास करती है? आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इतने खुल कर कहा? अरे रे तुम कौन चिंता में? आज तो उसको नंबर दे दिए, पता नहीं कब मैसेज करेगी। पहला पहला प्यार है। A few moments later. चलिए खड़ा हो जाइए। होमवर्क किए हैं? yes, याद है? yes, मिथिला के मंत्री कौन थे? जी बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आप खड़ा हो जाइए। याद है आपको होमवर्क बनाया है? आजकल आपको हुआ क्या है? आज नहीं होमवर्क बनाते हैं, नहीं याद करते हैं। ठीक है बैठ जाइए। आपको याद है? I was later. आज लेट से आई घर? कोचिंग में थे। सर तो कॉल किए थे कि एक घंटा पहले छुट्टी हो गई है और एक घंटा लेट से पहुंची हो, क्या बात है? और दूसरा ये भी था सर, ये भी कह रहे थे कि आप कोचिंग में जो होमवर्क मिलता है वो आप तैयारी नहीं करती हैं, आप कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई नहीं करती है, क्या बात है? तुमको हर सुख सुविधा मिला घर से, हम लोग जिस भी तरह से होते हैं तुमको हर तरह से पूरा करते हैं। 20 साल तक आपको हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध कराए इसलिए कि ताकि हमारी बेटी चल करके आगे मेरा नाम रोशन करे, अच्छे से पढ़ाई करे। और सर के द्वारा इस प्रकार का बातें आता है तो हमको एक पता भी चलता है इस बात का कि हम जो पढ़ाई के ऊपर इतना खर्च करते हैं, जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी भी जो शौक है सबको बताएं कि हमारी बेटी आगे चल करके नाम रोशन करेगी, अच्छा नंबर लाए। अन्यथा ध्यान रखिएगा कि समय पर घर पहुँचना है, समय अभी अलग चल रहा है। दूसरी बात, माता पिता को भरोसा हर एक बच्चे पर होता है लेकिन बच्चे का भी फर्ज बनना चाहिए कि माता पिता, ताकि समाज में उनका सिर कभी नीचे ना हो। ठीक है चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस यही दिखाना चाहे हैं कि एग्जाम के समय भी कुछ लड़के अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और इन सब कुछ ऐसे हरकतों में शामिल हो जाते हैं जो उनके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गलत है और हानिकारक भी है। तो सर आपका क्या राय है इस विषय में? ये मेरी राय यही होगा, उन बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप चंद दिनों के लिए प्रेम के लिए, जिस प्रकार का समाज में ऐसी बातें आती है कि बच्चे मोबाइल के जरिए विभिन्न तरह से हरकतें करते हैं और माता पिता का सिर को नीचे कर देते हैं, झुका देते हैं, बिल्कुल सरासरी गलत है। आप उन माता पिता उन दर्द को झांकिए, उन परेशानी को देखिए, दुखों को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए कि उन्होंने जो आपके लिए शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, उनके जीवन में जो दुख आया उनको दरकिनार करके आपको हर एक सुविधा प्रदान किया ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ करके आगे चल करके वो अपने जीवन को संवार सके और मेरा जो सिर है वह ऊंचा कर सके। तो वह इसके लिए आपके लिए दिन रात सपना देखता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, आगे चल करके मेरे जो दुख है इस दुख को निवारण करेगा, मेरे दुखों को कम करेगा, इसी कारण से आपके लिए इतना सारा फैसिलिटी देता है। 20 साल से समझिए, 20 साल से आपके लिए वो क्या क्या नहीं किया होगा। जब आप खड़े होंगे, जब चलना सीखे होंगे, आपके लिए तरह तरह की वस्तु ला के आपको दिया होगा, वो खिलौना ला के दिया होगा जिससे आपको हर एक तरह की खुशी मिल सके। तो आप कम से कम उनको एक बार जरूर सोचिएगा उनके लाइफ के बारे में कि मेरे माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया होगा और 20 साल तक आपको जवान कर दिया, हर एक चीज़ उपलब्ध कराए और चंद दिनों के लिए, चंद दिनों के प्रेम के लिए उनका हम इस समाज में सिर को नीचा कर देंगे? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई प्रेम नहीं हो सकता। उनके लिए कुछ भी करना है अच्छे से पढ़िए, एग्जाम नज़दीक है, कुछ बन करके दिखाइए, उनको दुखों को कम करने के लिए जो भी करना पड़े वो जरूर कीजिए, हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे। जरूर कीजिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, आगे आप बहुत पछताएंगे। जी जी। तो जी अभी जो भी हो यानी कि इस समय में प्यार मोहब्बत सब कुछ से दूरी बनाए रखें और अपना तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।